Hello students, welcome to our YouTube channel, Vivek Foundation. Myself, Dr. Vikas. बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आपके सामने, जो कि आजकल के सिनेरियो में बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा है. हमारे राज्य बिहार और इवन राजस्थान में इसको पैंडेमिक घोषित किया जा चुका है. शायद आपको ही पता होगा, ब्लैक फंगस बोला जा रहा है. उसके पीछे का सबसे मेजर रीजन जो है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स का प्लेमा. और ये हमारे ही गलती की वजह से है. हमारा इम्यून बहुत ही सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये नया कंडीशन का अटैक कर रहे हैं. तो आप जानेंगे कि भाई ये मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं और हमारी भलाई के लिए हमको एक नया कंडीशन मिल रहा है. तो आप जानेंगे कि ये चीज को कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, इसको सही वे में यूज करते हुए. तो सबसे पहले क्या है, ग्लूको कॉर्टिकॉइड. वही उस स्टेरॉइड है जो कि ज्यादातर मेडिसिन में यूज हो रहा है स्टेरॉइड के तौर पर. और ये एक दो भारी परिवार है. दो भारी परिवार का मतलब क्या हुआ, बहुत ही क्रोनिक डिजीज है, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है. स्किन डिजीज है, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है. ऐसा कोई एलर्जी है या बहुत एस्थमेटिक पेशेंट है तो बहुत ही कारगर बड़ा होता है ये कॉर्टिकल स्टेरॉइड. लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे तो हमारा ब्यूटल टूटल हेल्थिंग सेल्स जो है वो बहुत नीचे गिर जाता है. हमारा इम्यून सिस्टम क्रैश कर जाता है. और ये जानते हैं कि ब्यूटल कॉर्टिकल हो जाता है. तो सबसे पहले एक हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बॉडी में. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जिससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं. बहुत सारे हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड का हमारे अंदर, जैसे हाइपोथैलेमस, जैसे एड्रेनल ग्लैंड, जैसे पैनक्रियास और जैसे थायराइड ग्लैंड. तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं हार्मोन सिक्रेट करते हैं. उसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आया कहाँ से. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड, उससे सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता क्या है, तो इसका काम है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना. मतलब कि हमारा बॉडी जो प्रोटीन बना रहा है उसके प्रोटीन के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देना, बढ़ा देना. तो अब आगे के क्लासेस में या इसकी स्लाइड में हम पढ़ेंगे आगे के बेसिस में कि ये चर्चा कैसे है और ये दो भारी परिवार कैसे है. हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा मेडिसिन आता है ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स के अंदर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा हम लोगों ने, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएमिनोलोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन एंड पैरामेथासोन. ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स है. और बहुत सारे स्किन डिजीज, आई डिजीज में आपने इन नामों का जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा. बच्चा निकाजन या बेटा निकाजन या हमको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, हमको ठीक करना है, उसको जल्दी ठीक करना है, तो बच्चा निकाजन का नाम जरूर सुना होगा.